हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मेटालिक सॉलिड्स। आज हम मेटालिक सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मेटालिक सॉलिड्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड्स based on the force of attraction। सॉलिड्स के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है उसकी बेसिस के ऊपर ये मेटालिक सॉलिड फोर्थ टाइप है। पहली तीन टाइप्स जो कि आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स, वो हम स्टडी कर रहे हैं। अब मेटालिक सॉलिड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, उसकी वजह ये है कि डिफरेंट थ्योरीज जो सी हैं एग्जिस्ट करती हैं अबाउट देयर स्ट्रक्चर। क्यों, आप लोगों को अगर याद हो मैट्रिक में तो आप मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ के आते थे कि वो बॉन्ड जो कि मेटल्स को एक साथ जोड़ के रखता है, मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन वो मेटालिक बॉन्ड क्या था? वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, वो कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है। यही तीन टाइप्स तो बॉन्ड्स की हम लोग पढ़ते आए हैं। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज जो सी हैं वो मौजूद हैं, जो कि बयान करती हैं कि किस तरीके से जो है मेटल के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है। तो इस सिलसिले में तीन थ्योरीज हैं जो कि हम इस अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे अबाउट द मेटेलिक सॉलिड्स। नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। ये किसने दी? इन 1923 टू साइंटिस्ट विच आर नेम्ड ड्रूड, जिसने इसको प्रेजेंट किया, एंड लॉरेन, जिसने इसको एक्सटेंड किया, इनकी वर्किंग है ये इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि आपके पास अगर एक मेटल क्रिस्टल मौजूद है, एक मेटल की क्रिस्टल लैटिस मौजूद है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑल मेटल एटम्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि तमाम के तमाम जो उनसे आपके पास मेटल के एटम्स हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दीज आर दोज इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद होते हैं, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि तमाम एटम्स ने मौजूद एक क्रिस्टल के अंदर, मेटल के तमाम एटम्स ने, ऑल मेटल एटम्स लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब वो छोड़ देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा? पूल। पूल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक बल्क क्वान्टिटी में हमारे पास मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो पूल हमारे पास जो होता है वो एग्जिस्ट करेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस, वो अपने मेटल के, अपने एटम के हसार में से या अपने एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल आएंगे बाहर, और इलेक्ट्रॉन पूल के अंदर जो होता है वो आ जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पूल है, अब देखें, एक मेरे पास एटम मेटल का था ए, इसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए, दो थे वो, इसने सारे के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर दे दिए, तो ये प्लस टू का अब एक आयन बन चुका है। इसी तरह इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसी तरह एक और भी होगा जिसने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, और सेम इसी तरीके से तमाम के तमाम मेटल्स के एटम्स जो हैं
वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद आयंस बन जाएंगे। अब इन पॉजिटिव आयंस को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना जो काम है वो इलेक्ट्रॉन पूल का है, वो इस पूल का है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपके पास ये थ्योरी प्रेजेंट करती है। थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास जो मेटल के एटम्स थे उन सब ने अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो रिलीज़ कर दिए। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल बन गया, और वो पूल जो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो पूल मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये वो फोर्स है जो कि इन पॉजिटिव आयंस मेटल्स के आयंस को जोड़े रखती है, अपने साथ अट्रैक्ट किए रखती है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस इलेक्ट्रॉन पूल। अब आगे वो ये बात कहता है कि ये जो उनसे पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस हैं ये अपनी अपनी फिक्स पोजीशनों पर रहते हैं। जाहिर सी बात है, सॉलिड है तो उनकी पोजीशन जो सी हैं फिक्स होंगे। तो ये जो उनसे पॉजिटिव आयंस हैं ये तो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन का पूल है ये वाला, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं दे विल कीप ऑन मूविंग, अपनी मर्जी से वो पूरी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं, इन क्रिस्टल लैटिस। ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फ्री हैं तो ये किसी एक एटम के साथ बाउंड होकर नहीं रहेंगे, ये मूव करते रहेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहे तो घूम के कहीं भी जा सकता है। इसी तरह तमाम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो किसी भी पॉजिटिव आयन के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो ये एक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, जो कहती है कि तमाम मेटल के आयंस अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पूल बन जाता है वो इन पॉजिटिव आयंस को एक साथ जोड़ के रखता है। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूल की थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। अब यहाँ पे आपके पास वो मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी बताता है कि व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड। वो कहता है जी, द फोर्स विच बाइंड्स, जो कि बाइंड करे, जो कि जोड़ के रखे किसको, मेटल के कैटाइन्स को। अब कैटाइन अगर आपको याद हो तो कैटाइन हम पॉजिटिव आयन को कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे हमारे पास मेटल के कैटाइन्स बच गए। अब वो फोर्स जो बाइंड करे मेटल कैटाइन्स को विद किससे, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकल आए हैं, विद इलेक्ट्रॉन्स अब विद इन इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब है इसको भी हम देखते हैं। विद इन इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। हमने अभी बात की कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद अपने अपने पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। अब ये एक पॉजिटिव आयन है, इसका एक स्फेयर है, इसकी एक फील्ड है। उस फील्ड के अंदर अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो इस फील्ड से, इस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से, वो एरिया जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस मौजूद है, जब वो बाहर हो जाएगा तो फिर वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वो कह रहा है जी, वो फोर्स जो कि बाइंड करती है इस पॉजिटिव आयन को उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दैट इज़ द मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो पहली थ्योरी थी वो हमने देखिए, इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। सेकंड पे आती है जी VBT, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, उसके मुताबिक ये थ्योरी ये कहती है, इसके साइंटिस्ट का नाम है एल पाउलिंग, जिसने इसको प्रेजेंट किया था। यह थ्योरी आप डिटेल में अपने सिक्स चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। पाउलिंग
पॉलिंग साहब ने क्या फरमाया, इन्होंने कहा जी कि जो आपका मेटेलिक बॉन्ड है, द मेटेलिक बॉन्ड इज कोवलेंट इन करेक्टरिस्टिक्स। वो कहते हैं जी कि करेक्टरिस्टिक वाइज जो सा है, अगर आप इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो मेटेलिक बॉन्ड है वो भी कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही है। मेटेलिक बॉन्ड इज ट्रीटेड इसेंशियली एज कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन फ़र्क ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली होता है, कोवलेंट बॉन्ड वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का क्या मतलब है कि उसकी जो जगह है वो फिक्स होती है, वो लोकलाइज्ड आपकी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है। लेकिन ये जो मेटेलिक बॉन्ड है या जो कोवलेंट बॉन्ड इन मेटल स्ट्रक्चर है, जिसको मेटेलिक बॉन्ड हम कहते हैं, ये हाईली डीलोकलाइज्ड होता है। ये बात वही उसी से मिलती जुलती है जो कि हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में पढ़ के आए हैं, कि आपके जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक एटम के साथ फिक्स्ड नहीं थे, वो मूव करते थे, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूल के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे, किसी एक एटम के साथ फिक्स होकर नहीं रहते थे। यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि मेटेलिक बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही अपनी करेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड लोकलाइज्ड होता है, लेकिन जो मेटेलिक बॉन्ड है दैट इज़ हाईली डीलोकलाइज्ड, उसकी कोई एक डायरेक्शन या किसी एक जगह पे वो फिक्स नहीं होगा, वो पूरे डिफरेंट आपका जो पूल बन गया हुआ है मेटल का पूरे क्रिस्टल के अंदर, वो डीलोकलाइज्ड जो है वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो ये सेकेंड थ्योरी थी अबाउट द बॉन्ड विच बाइंड्स द एटम्स प्रेजेंट इन मेटल। थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम MOT कहते हैं। ये आप अपने सिक्स चैप्टर में भी जब हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो इसको हम अच्छे तरीके से अपनी डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहता है कि आपके जोन से एटम्स हैं मेटल के अंदर मौजूद, एटम्स के अंदर होते हैं ऑर्बिट्स, और उन ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज कंप्लीटली फिल्ड, एंड नंबर टू इज पार्शली फिल्ड। अगर आपको अपनी जूनियर क्लासेस की स्टोरीज याद हों अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास शेल होते थे, KLMN एंड सो ऑन ऑर्बिट्स, और उसके दरमियान फिर ऑर्बिट्स होते थे SPD एंड F, और जब हम उनमें फिल करते जाते थे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट होती जाती थी। तो ये तो हो गया आपके पास जनरल जो है कॉन्सेप्ट अबाउट एटम्स, शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि आपके पास जो से वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड, दोज ऑर्बिटल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड वो तो होते हैं आपके पास लोकलाइज्ड, मतलब वो तो रहेंगे फिक्स, लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके अंदर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और जाहिर सी बात है कि जो पार्शली फिल्ड होंगे वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले शेल ही में मौजूद होंगे। तो वो कहता है जी कि ये वाले जो उनसे ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड।
जो के कम्प्लीटली फील्ड हैं वो लोकलाइज्ड हैं, और जो के पार्शली फील्ड हैं दोज आर डी लोकलाइज्ड, और ये एक्सटेंड किए होते हैं पूरी की पूरी, एक्सटेंडेड ओवर लेटिस, पूरी लेटिस के ऊपर जो सा है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो उनसे डीलोकलाइज्ड हैं, जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर एक्सटेंड हुए रहते हैं, क्योंकि वो किसी एक एटम के साथ फिक्स नहीं होते, दे आर डीलोकलाइज्ड। अब क्या होता है कि ये तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑल दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से वाले जो के डीलोकलाइज्ड हैं, ये जो उनसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्टेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो उनसे डीलोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और एक स्टेट बना देते हैं, और इस तरह की बेशुमार जो उनसे हैं वो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये स्टेट बेसिकली क्या होती है, ये होती है स्टेट ऑफ एनर्जी। कुछ डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स मिले आपस में, ओवरलैप किए, और एक एनर्जी स्टेट बन गई, नंबर वन फॉर एग्जांपल, वन स्टेट ऑफ एनर्जी, या इसको बैंड भी कहते हैं। इसी तरह कुछ और, अब ये कौन से मिलेंगे तो एक बनेगा, कौन से मिलेंगे तो दूसरा बनेगा। इसको इस तरह से देखें कि जो सेम एनर्जी वाले होंगे वो एक बैंड बना देंगे, और अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो वो कोई और बैंड में चला जाएगा। इसको आप इस तरह से देखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 50 स्टेट्स हैं, या 50 स्टेट्स बन चुकी हैं, और उनमें से 10 की जो है एनर्जी वो मैं कहता हूँ जी 100 जाउल है, और अगले जो उनसे 20 की एनर्जी है वो 50 है, 50 जाउल, और बाकी के जो उनसे 20 हैं उनकी 25 जाउल है, तो ये जिस 10 हैं ये एक स्टेट, इनकी एनर्जी सेम है, तो ये एक बैंड बना देंगे। इसी तरह एक और बैंड और एक और बैंड, ये जो उनसे 20 हैं, 25 जिनकी एनर्जी है, ये सारे मिलके एक बैंड बना देंगे। तो हमारे पास डिफरेंट बैंड्स बन जाएंगे, जिनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। ये जो स्टेट्स हैं ये आपस में मिलती हैं, और जो सेम एनर्जी वाले होते हैं दे आर कॉल्ड बैंड ऑफ एनर्जी या एनर्जी बैंड। इसी वजह से इस थ्योरी को हम बैंड थ्योरी भी कहते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे पास मेटल के लैटिस के अंदर डिफरेंट जो होते हैं बैंड्स बन जाते हैं, जिनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब सपोज़ मेरे पास एक बैंड और ये दो बैंड है, इसके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस, वो मुझे बताएगा कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे पास किस तरह की होंगी। जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बिटवीन द टू बैंड्स दैट प्रिडिक्ट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो ये हमने अभी तक जो तीन डिफरेंट हमारे पास थी थ्योरीज जो कि बताती हैं कि मेटेलिक बॉन्ड किस तरह से काम करता है, ये उनको हमने देखा है। अब हम चलते हैं जनरल अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, के मेटल्स की जो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर वन जो कि आपको सबको पता है, दैट इज़ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने का क्या मतलब है, अभी मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया था मेटल का, उसको मैं फिर से इधर बना देता हूँ। ये तमाम के तमाम पॉजिटिव आयन हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मौजूद हैं। मैंने क्या किया, मैंने उठाया इस मेटल के टुकड़े को और इसको अटैच कर दिया एक्सटर्नल जो सा है बैटरी के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मैंने इसको क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो सा है वो मैंने दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ
मूव करना शुरू हो जाएंगे। क्यों मूव करना शुरू हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी हम जो थ्योरीज पढ़ के आए हैं उसमें यही पढ़ा है कि ये किसी एक के साथ अटैच नहीं होते, ये फ्री होते हैं। तो जब ये फ्री होंगे और इनको यहाँ से बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं फौरन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मूव करते हैं तो बिजली पास होती है उस चीज़ में से, तो हम कहते हैं कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन देखते हैं विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है। वो कहता है जी कि समटाइम्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है समटाइम्स सम केसेस में। उसकी वजह वो आपकी बुक में बता रहा है, वो ये है कि जब आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये जो आपके पॉजिटिव मेटल आयंस मौजूद थे मेटल के अंदर, ये जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी मूवमेंट जो वाइब्रेशनल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ जाएगी। अब जब ये वाला मेटल ऊपर नीचे काफ़ी विगरसली मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जिसको हमने बिजली दी थी और वो इधर को मूव कर रहा था अपने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसके रास्ते में क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन है, चार्ज है और ये नेगेटिव प्लेट है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और उसके रास्ते में ये तेज़ी से वाइब्रेट करता हुआ एटम मेटल का आयन आएगा, तो उससे इसके रास्ते में रुकावट पैदा होगी, रेजिस्टेंस पैदा होगी और जिसके नतीजे में कम बिजली पास होगी। कम इलेक्ट्रॉन उधर से मूव करेंगे, कम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। तो ये वो बात बता रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके जो उनसे मेटल आयंस हैं वो ओसिलेट करना शुरू कर देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हिंडर करते हैं। हिंडर करते हैं मतलब रोकते हैं, उन्हें रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो उनकी है वो कम हो जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मेटल्स की। सेकेंड वन इज थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी इज़ के अगर मैंने एक, मेरे पास कोई भी चीज़ है, कोई मटेरियल है, इसको अगर मैंने यहाँ पर आग दी है, इसको अगर मैंने हीट किया है, तो इसमें से हीट ट्रेवल करके इस एंड पर भी अगर महसूस होना शुरू हो जाए कुछ देर के बाद, तो मैं कहूँगा कि हीट इसमें से पास कर गई है, ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, दूसरी साइड गर्म बिल्कुल भी नहीं हुई, तो मैं कहूँगा ये थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं करता। इसकी बेसिक एग्जांपल आप देखें, वुड, जो लकड़ी होती है वो बिजली कह रहा हूँ, उसमें से हीट जो है वो पास नहीं करती है। अगर आप एक लकड़ी लें जिसके एक एंड के ऊपर शोला है या वो जल रही है, तो एक एंड पे वो कोयला बनी होगी लेकिन दूसरा एंड आपके हाथ में होगा, लेकिन आपको वो गर्म महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट जो है वो ट्रेवल करके इस एंड पे नहीं आई। तो हम कहते हैं वुड इज़ अ नॉट अ थर्मल कंडक्टर। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरे पास एक लोहे का रॉड है और उसका एक एंड मैंने गर्म किया है, तो दूसरे एंड से पकड़ के रखना उसको पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यही वजह है कि जो आपके घरों में यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, ख़ास तौर पे वो वाले कि जिनका इस्तेमाल चूल्हे पर होना होता है, तो अगर उसको आप, उसका आप हैंडल देखें तो उसका हैंडल लोहे का होगा, लेकिन उसके एंड पे पकड़ने के लिए उन्होंने नॉर्मली जो है वो
लकड़ी का एक, वुड का एक दस्ता लगाया होता है जिसको हम पकड़ के उसको ऑपरेट करते हैं. क्यों? क्योंकि जब ये गर्म होगा तो यहाँ तक हीट आएगी, ये तमाम का तमाम मेटल गर्म हो जाएगा, लेकिन वुड में से चूंकि हीट पास नहीं करती तो वो ठंडी ही रहेगी, आप उसको पकड़ के बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो सी है वो भी ज़्यादा हो जाती है. अब ये किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं. अगर ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है किसी भी मेटल का जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मौजूद हैं, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसको जब मैं यहाँ से हीट दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जब आगे जाके इससे टकराएंगे तो ये हीट एनर्जी इसको ट्रैवल करेंगे, और जब इसको देंगे तो फिर ये हीट एनर्जी इस आएगी, और ये इसी तरह ट्रैवल करते करते लास्ट एंड पे उसके दूसरे सिरे पे जो सा है आपको हीट एनर्जी जो सी है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी. तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक एंड से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे एंड पे हीट उसको ट्रांसफ़र करते जाते हैं. तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जो कि थर्मल कंडक्टिविटी और बहुत इम्पोर्टेंट. थर्ड वन इज शाइनिंग सर्फेसेस. वेन एवर वी कट मेटल्स, जब भी हम मेटल्स को काटेंगे तो जो नीचे से सरफेस निकलेगी वो सरफेस होगी हमेशा शाइनिंग सरफेस होगी, उसमें से लाइट जो है वो निकल रही होगी, वो सरफेस जो सी है वो ग्रो ग्लो कर रही होगी. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप एक सरफेस को काटते हैं तो जो नई सरफेस सामने आती है उसके ऊपर लाइट जो है वो जाके पड़ती है. फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस थी, इसके ऊपर अब लाइट जो है वो आके जो है उसके साथ टकराएगी, लाइट उसकी सरफेस के साथ आके कोलाइड करेगी. अब जब कोलाइड करेगी तो यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मौजूद हैं. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी ले लेते हैं एनर्जी, तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके. अब ये जब फ्रेशली कट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लाइट पड़ेगी ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड. ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर क्या मौजूद है? इनके अंदर है एनर्जी. और ये ही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब वापस आएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट पे, मतलब अपनी पहले वाली नॉर्मल हालत में, तो क्या करेंगे कि वो एनर्जी जो इन्होंने पहले एब्जॉर्ब की थी और एक्साइटेड हो गए थे, अब वही एनर्जी ये निकाल देंगे और नॉर्मल स्टेट पर आ जाएंगे. अब ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने वक्त, वो एनर्जी जो है आपके पास लाइट की शक्ल में निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और वो लाइट ही जो है बेसिकली मेटल्स को शाइनिंग सरफेस बनाती है. तो इसको आप दोबारा से सुन लें कि जब भी हम फ्रेशली सरफेस को काटते हैं तो वो शाइनिंग होती है. उसकी वजह ये है कि उस सरफेस के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं. एक्साइटेड के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यही एक्साइटेड कुछ देर बाद जब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, वापस अपनी असल हालत में आते हैं, तो वो एनर्जी जो इन्होंने ली थी एक्साइटेड होने के लिए, वो एनर्जी वापस रिलीज़ कर देंगे, और वो एनर्जी लाइट ही की शक्ल में रिलीज़ होगी क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब भी लाइट की शक्ल में ही की थी, जिसकी वजह से वो सरफेस आपको जो है वो शाइनिंग सरफेस की शक्ल के तौर के ऊपर वो आपको नज़र आती है. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी. फोर्थ वन इज़ दे आर डक्टाइल या मेलिएबल. डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उनको डक्ट्स के अंदर, डक्ट्स की शेप में काट सकते हैं, मतलब पाइप्स एंड शीट्स. मेलिएबल पाइप्स और शीट्स की शक्ल में जब आप किसी सरफेस को या किसी मटेरियल को काट सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये सरफेस या ये मटेरियल क्या है? ये डक्टाइल मटेरियल है, ये मेलिएबल मटेरियल है. जब भी इसका साइंस क्या होती है कि अगर ये एक
मेटल है जिसके लेयर्स हैं, तो अगर हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसकी लेयर्स जो सी हैं वो एक दूसरे से स्लाइड कर जाती हैं, और स्लाइडिंग की वजह से ये आसानी से किसी भी शक्ल के अंदर मोल्ड किए जा सकते हैं। ये जो आप अपने घरों में मेटल को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, विंडोज़ या आपके बेड का स्ट्रक्चर है या आपके किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर है, कुर्सियां हैं लोहे की, वट एवर, तो वो जिस भी शक्ल में आपके पास आप उसको लेके आना चाहें वो आसानी से आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। उनके ऊपर स्ट्रेस लगाने से उनकी लेयर्स जो सी हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी शक्ल देना आसान होता है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, Part 1 ऑफ मेटालिक सॉलिड्स, जिसमें हमने मेटालिक सॉलिड से रिलेटेड थ्योरीज और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। नेक्स्ट में हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।